जय श्री राम मित्रों, आज हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में नरेनी तहसील में स्थित प्रसिद्ध गुड़ा के हनुमान जी महाराज के दर्शन कराने। और यह हनुमान जी महाराज नरेनी और कालिंजर के बीच में स्थित प्रसिद्ध गुड़ा स्थान पर है, जहां पर प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को मान्यता है कि हनुमान जी साक्षात विराजमान रहते हैं। आप यहाँ पर जाएँ और मंगलवार शनिवार को जब भी आपको टाइम मिले और यहाँ के दर्शन मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह हनुमान जी मंदिर लगभग 1000 वर्ष पूर्व यहाँ पे हनुमान जी ने स्वप्न देके स्वतः ही उत्पन्न हुए थे। और आइए हम आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी महाराज के और महाराज जी से भी मिलाते हैं। जय श्री राम। महाराज जी जय सियाराम। ये जो गुढ़ा के हनुमान जी फेमस है, वो किस लिए यहाँ की यानी इतनी मान्यता है, क्यों इतने भक्त यहाँ पे आते हैं, आप बताएंगे थोड़ा सा? हाँ जी बताएंगे। यहाँ मान्यता इसलिए ज़्यादा है कि ये मिट्टी खुदाई में हनुमान जी महाराज मिले हैं, यहीं पर बगल से एक नाला है वहीं मिले हैं, इसलिए ये बनाई मूर्ति नहीं है, ये खुद की है। मतलब स्वयं कितने वर्ष पूर्व यानी मिले थे? लगभग ये तो 500-600 वर्ष से तो कम है ही नहीं, और चाहे 1000 वर्ष हो। सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। क्या क्या करना होता है जैसे मनोकामनाएं पूरी हो जाए? आरती के लिए नारियल बांधना पड़ता है। और कुछ? और हाथा भी लगते हैं। अच्छा। जिनके संतान नहीं, संतान भी सरकार देते हैं। जो भी समस्या है सारी समस्या सुनते हैं सरकार। सभी की मान्यताएं पूरी होती हैं। और उसके बाद फिर क्या करना होता है यहाँ? जो भी उनकी इच्छा भक्ति की, जैसे संकल्प कर गया कि हमें भंडारा करना है, हमें घंटा चढ़ाना है, हमें हवन कराना है, वाल्मीकि रामायण की विशेष प्रेमी हनुमान जी का। अच्छा अच्छा। तो वो वहाँ ये सब होते रहते हैं। यहाँ हनुमान का रूप है, बजरंग बाण है, सुंदर कांड है, हनुमान चालीसा है, जितने भी जो भी पाठ है हनुमान जी के, सब यहाँ भक्त लोग करवाते रहते हैं। फिर हर मंगलवार शनिवार को तो भंडारा होता रहता होगा। ठीक है महाराज, जय श्री राम। आप नाम क्या लिखते हैं महाराज जी? जय श्री राम। ऐसे ही ब्रल तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको हमेशा ऐसे ही ब्रल तीर्थों के दर्शन कराते रहेंगे। जय श्री राम।